हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा भोपाल से आप सभी का माय लिटिल टेरिस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी रिपोर्टिंग का समय तो मार्च और अप्रैल के मिड तक है, तो कुछ प्लांट्स की रिपोर्टिंग तो हमने मार्च में ही कर दी, तो फिर हमारे फ्लोरिंग का काम चल रहा था, कर नहीं पाए कुछ प्लांट्स की रिपोर्टिंग। तो आज हमने कुछ प्लांट की रिपोर्टिंग की है और ये खास करके एडेनियम की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो उसका वीडियो हम आप सभी से शेयर कर रहे हैं। तो फ्रेंड, तो एडेनियम को जब भी रिपोर्ट करें, अभी गर्मियों में बहुत अच्छे इसमें फ्लावरिंग होती है, तो जब भी इस प्लांट को रिपोर्टिंग करें तो 2-3 दिन तक पहले पानी ना दें, फिर इस प्लांट के मिट्टी को रिमूव करके रिपोर्टिंग करें। और जब भी रिपोर्टिंग करें तो सबसे पहले देखें कि इसके रूट में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हमारे इस प्लांट में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे दवा दवा के देखना पड़ता है, रूट को पूरा अच्छे से चेक करना पड़ता है कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर हो तो तुरंत, अगर किसी जगह पे रूट रॉड हो, रूट में गलन आ जाए तो उतने पोषण को काट दे। अगर यहाँ तक अगर रूट रॉड रहे तो यहाँ तक के पोषण को, थोड़ा ज़्यादा पोषण को काट के फिर फंगिसाइड उस जगह पे लगा दे, तो फिर आगे नहीं बढ़ेगा उसका इन्फेक्शन। तो हमेशा इस बात का ध्यान दे और पूरे पूरे जड़ों में अच्छे से फंगिसाइड पाउडर लगा दे ताकि किसी प्रकार की कोई रूट रॉट की प्रॉब्लम आगे ना हो। देखिए, ये फंगिसाइड हमने लिया है, तो मिट्टी को रिमूव करने के बाद इस, ये तो रेगिस्तानी गुलाब है एडेनियम, तो बिल्कुल मिट्टी भी रेगिस्तानी जैसी ही बनानी पड़ती है। तो ये प्लांट तो कितना पुराना है फ्रेंड, 11 साल से भी ज़्यादा हो गया इस प्लांट की एज। तो देखिए, इसकी मिट्टी हम ऐसे तैयार करते हैं, इसमें 60% करीबन रेत है और फिर 40% के अंदर थोड़ा सा फंगिसाइड, बर्मी कंपोस्ट, नीम की खली और फंगिसाइड पाउडर थोड़ा सा डालते हैं और थोड़ा सा बोन मिक्सचर, बस यही इसका पॉटिंग मिक्स है। कुछ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खाद वगैरह नहीं चाहिए इस प्लांट को। बस ये देखिए, हमने अभी इसके खाद रखी है, ये देखिए, ये बर्मी कंपोस्ट है, ये नीम की खली है और ये फंगिसाइड पाउडर है और इसमें थोड़ा सा बोन मिक्सचर ऐड करके हम इस प्लांट को रिपोर्टिंग करेंगे। तो देखिए, मिट्टी में तो बिल्कुल 60% रेत है ही, इसी मिट्टी को यूज़ करेंगे, इसी मिट्टी के अंदर ही हम इन सब चीज़ों को ऐड करेंगे। तो आप चाहे तो अगर नए मिट्टी बना रहे हैं तो उसमें 60% करीबन रेत डालें, फिर उसमें बर्मी कंपोस्ट का यूज़ करें, नीम की खली, फंगिसाइड और बोन मिक्सचर। तो हम इस तरह से ही पॉटिंग मिक्स बनाते हैं। तो अभी तो हम ये पुराने पॉटिंग मिक्स को ही यूज़ करेंगे, बस इसमें इन सब चीज़ों को ऐड कर देंगे। और देखिए, जब भी ये तो बोनसाई पॉट में लगाते हैं, तो हमारा इसी पॉट में है काफ़ी सालों से, तो हम इसी में ही लगाते हैं। और भी कुछ एडेनियम के प्लांट्स हैं जिसको कि हमने बीज से ग्रो किए हैं, उनको हमने बोनसाई पॉट्स में लगाए हैं। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले तो नीचे ईंट के टुकड़े रखें, ईंट के टुकड़े बहुत अच्छे रहते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी सोखता है। अगर एक्स्ट्रा वाटरिंग हो तो ये ईंट के टुकड़े इस पानी को सोख लेता है और मिट्टी को बिल्कुल भुरभुरी और अच्छा बनाए रखता है, फ्रेश बनाए रखता है। हाँ फ्रेंड, और थोड़ा सा लकड़ी वाला कोयला, देखिए इस मिट्टी में ही ऐड है, ये देखिए लकड़ी वाला कोयला, इसको ज़रूर ऐड करें। ये भी इस ईंट की तरह ही काम करता है, मिट्टी को फ्रेश बनाता है और एक्स्ट्रा वाटर को बिल्कुल खींच लेता है, तो ये बहुत अच्छा रहता है। लकड़ी वाला कोयला और ईंट के टुकड़े ज़रूर डालें और इस तरह से पॉटिंग मिक्स तैयार करके इस प्लांट को लगाएं। तो अभी हम लगा देते हैं इस प्लांट को। फ्रेंड्स, देखिए इसमें हमने बोन मिक्सचर थोड़ा कुछ ज़्यादा ही डाला है, कम से कम 3 से 4 चम्मच होगा। तो इन सबको अच्छे से मिक्स करके फिर इसमें हम इस प्लांट को लगाएंगे। तो सबसे पहले मिट्टी थोड़ा सा अच्छे से डाल के फिर लगाना है प्लांट को। आप चाहे तो बोनसाई पॉट में भी लगा सकते हैं, उसमें और लुक बहुत अच्छा आता है। हम तो काफ़ी सालों से इसमें लगाते आ रहे हैं, इसी में ही लगा रहे हैं। बस अब इस प्लांट को अच्छे से लगाना है, लगा के बस हम अभी लगा रहे हैं, दोपहर का टाइम है, मतलब 12 बज रहा है, तो हम शाम को भी पानी देंगे या कल सुबह पानी देंगे, तुरंत पानी नहीं देंगे। बस इसको ऐसे बिठा के ऊपर पूरे मिट्टी से अच्छे से कवर करना है इस प्लांट को। ये देखिए फ्रेंड, ऊपर अच्छे से मिट्टी से कवर कर दिया है। तो अभी आज हम इस प्लांट में पानी नहीं देंगे, हम कल सुबह ही पानी देंगे। तो बस ये प्लांट अभी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करने लगेगा। और हमने इस प्लांट को बहुत पहले ही, इस प्लांट के थोड़े से
प्रून कर दिया था, इसलिए प्रून नहीं करेंगे, बस इसका रिपोर्टिंग ही किया है। ओके फ्रेंड्स, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, और आप हमारे नए फ्रेंड हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।